अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे कि एनएसडीएल के बारे में, उसमें जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम है एनपीएस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पे के बारे में हम ये बात करेंगे कि आज आपको अगर आप एनपीएस में है, आपका नेशनल पेंशन सिस्टम, अगर आप गवर्नमेंट सराउंड है, नॉन गवर्नमेंट सराउंड है, आप अगर आप वो करते हैं एनपीएस, आपको रिटायरमेंट में आपको कितनी पेंशन मिल सकती है, एक मैं आपको आइडिया दूंगा, उस हिसाब से आप उसे लगा सकते हैं, यानी कुछ अंदाज़ आप यहाँ से लगा सकते हैं। पेंशन आपको मिलेगी, मैं अभी जो कि यहाँ आज की जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। वो बढ़ भी सकती है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं, कुछ इसमें आपके जो कि आपके अमाउंट है वो बढ़ सकती है। कुछ 7 पे कमीशन लग गया, 8 पे कमीशन लग गया, 9 पे कमीशन लग गया, कुछ सरकार ने कुछ ऐसा स्कीम निकाली कि आपके जो कि आप वेतन लेते हैं उसमें कुछ अलग से कुछ बेनिफिट दे दिए, तो ऐसे। लेकिन ये जो आज की कंडीशन है, जो आज की कंडीशन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये देखिए, ये यहाँ पे लिंक है भाई, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं या डायरेक्ट उस पर भी आ सकते हैं। इस लिंक पर मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस लिंक पर आ सकते हैं और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, 1 मिनट। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। यहाँ पे आपको एज डालनी पड़ेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मंथली अमाउंट कटता है, यहाँ से यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल इयर्स, जो वो तो सेलेक्ट हो ही जाएगा जब आप अमाउंट डालेंगे, आपका एज डालेंगे यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, रिटर्न आपको कितना परसेंटेज मिलता है, ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। टोटल पेंशन आपको जो कि विथ है वो आपको यहाँ से मिल सकती है, यानी अंदाज आप अंदाज बांध सकते हैं आप यहाँ से। और जो परसेंटेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम वो पेंशन आपको कितनी मिलने वाली है, मंथली पेंशन हम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो कि आपको विड्रॉल जो मिलने वाला है, आप यहाँ से इतने पैसे आप यहाँ से विड्रॉल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा पूरी तरीके से ये कैलकुलेटर है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से मेरी एज सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एज सेलेक्ट कर ली, और मेरा अभी कितने इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाली, तो टोटल इयर्स मुझे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ से आप पूरी देख सकते हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट एक मैग यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सेलेक्ट ये जो 10 है वही रहने दिया है, जो कि इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। मेरे ख्याल से अभी 15 से 20% कुछ मिलता है आपको इंटरेस्ट, लेकिन मैक्सिमम इतना ही मिलना आपको मिलेगा। यहाँ से हम 10% हमें रखते हैं यहाँ पे। अगर हमने चलिए 10 से आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से 20 तक करेंगे, हम यहाँ से 20 या मेरे ख्याल से यहाँ पे 15 ही रहने देते हैं। आपको यहाँ से इतनी इंटरेस्ट, आपको अभी का इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी का वो 15% आपको मिलने ही वाला है, ऐसा इंटरेस्ट में अभी अभी इस समय का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए, आपको यहां से ये पेंशन है, आपको
जो कि आपको पेंशन मिलने वाली है, जो परसेंटेज रहते हैं अमाउंट, जो कि आपकी परसेंटेज अमाउंट जो रहती है वो है, वन मिनट, तो मैं जो यहाँ जो आपको लगने वाला है, हम यहाँ पे 40 करने वाले हैं, क्योंकि हम हमारा जो पेंशन रहती है वो 40 के बाद आपको मिलेगी, तो मैं 40 कर लेता हूँ यहाँ से। चालीस यानी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये 40 है, आपको यहाँ से पेंशन मिलेगी 40 अगर आपको पूरा विड्रॉल करते हैं। आपको विड्रॉल कितना होगा, आपको यहाँ से 60% आपको यहाँ से इतनी पेंशन मिलेगी, आपका इन्वेस्ट होगी इतनी, इंटरेस्ट होगा आपका इतना, 15% होगा, 5,500 आपका मंथली कटेगा आपकी ईयर के हिसाब से। आपकी सर्विस रहेगी टोटल 28 ईयर आपकी कुछ रहेगी, और इसमें आपको इतना पेंशन मिलेगी। बाद में आपकी जो इन्वेस्ट है जो कि 40% रहने वाली है, ये रहेगी आपकी, इस फिर से इसे री इन्वेस्ट करेगी, जो कि सरकार जो है उसे फिर से री इन्वेस्ट करेगी, और इसको आपको रिटर्न देगी, जो कि समझो अभी 6% इन्वेस्ट देगी या कुछ, अब समझो अभी 6% इन्वेस्ट देगी, आगे बढ़ने के बाद तो आपको बहुत दे सकती है, लेकिन हम समझो, और आपको मंथली मंथली जो पेंशन मिलेगी ये इतनी होगी, आप देख सकते हैं। आप यहां से पूरी तरीके से आप यहां से विड्रॉल ऑन, यहां पे आप इतना विड्रॉल भी कर सकते हैं। इस हिसाब से आप एक अंदाजा बांध सकते हैं कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी आपके हिसाब से, जो कि आप एनपीएस, जो आप एनपीएस करते हैं, अगर एनपीएस में आप अकाउंट है, आप कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या कुछ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है, अगर आप एनपीएस करते हैं तो आपको एक अंदाजा बनने के लिए कुछ एक आप उसे कुछ ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि बाबा मुझे इस समय अगर मेरे 5,500 रकम मेरे मंथली कटती है तो मैं 28 साल, यहाँ से 28 साल, मेरी एज अभी 32 है, यहाँ से मुझे 28 साल मुझे मेरी जो कि नौकरी है या कुछ आप जॉब करते हैं तो इतने रह गए, बाद में आपको इंटरेस्ट उस पर इतना मिलेगा, बाद में आपको पूरा विड्रॉल 60% आपको विड्रॉल होगा, यानी आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा, बाद में आपको जो 40% जो है रकम रहने वाली है उस पर आपको पेंशन मिलेगी। वो भी पेंशन कैसे मिलेगी, सरकार आपकी वो 40% इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करेगा, बाद में आपका इंटरेस्ट आपको जो भी अभी तक हमने 6% कुछ रखा वाला है, जब बाद में आपको बढ़ भी सकती है, इस हिसाब से आपको मंथली पेमेंट 57,000 के आसपास मिल जाएगी। आप विड्रॉल आप जो 1,70,99,885 रुपए के आसपास कर सकते हैं, यानी आपको अगर आप इस हिसाब से आज के हिसाब से देखें तो 5,500 भी अपना हफ्ता जो मंथली जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं एनएसडीएल एनपीएस में, तो आप यहां से इतने तो आपको पेंशन ही मिलेगी, एक आइडिया आप लगा सकते हैं। अब बाद में आपको इसमें अगर आपको ट्राई टू में अकाउंट में जाते हैं तो आपको और बेनिफिट मिल सकता है, यानी अब इसमें विड्रॉल की लिमिट नहीं होगी, इसमें आपको विड्रॉल मेरे ख्याल से 10 साल के बाद एक विड्रॉल है जो कि ट्राई वन अकाउंट में, ऐसा कुछ नियम कुछ चेंजेस हो गए हैं ऐसा है। तो फ्रेंड आपने देखा कि एनपीएस अगर आप करते हैं आपको पेंशन कितने मिलने वाली है, एक आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं बाद में।